क्लासिक रिवाइंड के फर्स्ट एपिसोड में हम एक ऐसे कंसोल के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने पाकिस्तान के अंदर गेमिंग को बहुत ही ज्यादा एक्सेसिबल बनाया था, स्पेशली उन टाइम्स में जहां पर कंपटीशन और राइवल ब्रांड की गेम्स अनअफोर्डेबल थी। गेम शॉप्स लोडेड थी इसकी वीडियो गेम वैरायटी से। बहुत से कैजुअल गेमर्स को इस कंसोल ने हार्डकोर गेमर्स में बदल दिया। आज भी ये इन डिमांड है, आज भी ये बिक रहा है एंड पीपल स्टिल हैव इट। काफी खतरनाक फेलियर्स के बावजूद इस कंसोल ने बहुत ज्यादा सक्सेस भी देखा और अपने कॉम्पिटिशन को एक बहुत ही जोर का टफ टाइम दिया। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप सब ने भी एक ना एक पॉइंट पर इस पे दबा के गेमिंग की हुई है। वेल, यू गेस्ट इट राइट, आज का एपिसोड इज अबाउट द एक्सबॉक्स 360। एज ऑलवेज मैं हूं आपका होस्ट बंटू केज, वेलकमिंग यू ऑल टू आवर ब्रांड न्यू सीरीज क्लासिक रिवाइंड, जिसके हर एक एपिसोड में हम बात करेंगे क्लासिक कंसोल की। आज हम ब्रेक डाउन करेंगे एक्सबॉक्स 360 की लेगेसी का, व्हाई इट्स सच एन आइकॉनिक कंसोल, क्या 2022 में ये होल्ड अप करता है एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली शुड यू बी बाइंग इट, और बाइंग गाइड के बारे में भी मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। सो लेट्स किक थिंग्स, बल्कि किक थिंग्स ऑफ मी, लेट्स रिवाइंड। वीडियो गेम हिस्ट्री की अर्ली एराज में कुछ खास ब्रांड्स थे जो टो टू टो जाते थे। अटारी वाज ग्रेट, सेगा वाज अमेजिंग एंड निंटेंडो वाज फेनोमिनल। ऑफ कोर्स वक्त बदला, टाइम गुजरा, सोनी स्टेप्ड इन विद प्लेस्टेशन 1 जो अपने आप में गेमिंग के गोल्डन एरा को डिफाइन कर सकता है। एंड देन द गोट प्लेस्टेशन 2 कहने की कुछ जरूरत ही नहीं है। प्लेस्टेशन 2 के साथ कम्पीट करने के लिए आया माइक्रोसॉफ्ट विद एक्सबॉक्स, जिसे अब ओजी एक्सबॉक्स कहते हैं। लेकिन मुकाबला कुछ ऐसा था कि PS2 ने इनसेनली डोमिनेट किया हुआ था गेमिंग की दुनिया को, विद PS2 एट 155 मिलियन यूनिट्स सोल्ड वर्ल्ड वाइड, और ऑन द अदर हैंड कंपटीशन में एक्सबॉक्स के सिर्फ 24 मिलियन यूनिट्स थे। हेलो थी, एक जज्बा था, लेकिन कंपटीशन में PS2 ने सबको बड़ी भेंटी दी हुई थी, तो इट इवेंचुअली बिकेम द सुप्रीम किंग। फिर आया 2005, 7th जनरेशन कंसोल्स का टाइम, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ने निकाला दी एक्सबॉक्स 360 22 नवंबर 2005 में, which told everyone ke Microsoft is still ready to throw down. 11th November 2006 PS3 रिलीज हुआ एंड वंस अगेन द वॉर वॉज ऑन। लेकिन इस दफा 7th जेन में मुकाबला था टक्कर का। PS3 ended at a little over 87 million units and 360 closed in with 84 million units. तो ऐसा जबरदस्त किस्म का कैचअप किया Xbox ने विद PlayStation, कि सिर्फ 4 मिलियन ज्यादा की लीड पे पूरी जनरेशन को क्लोज आउट किया। एक्सबॉक्स 360 की लॉन्च जो है ना, वो इस कंसोल हिस्ट्री का सबसे वर्स्ट पार्ट है। सो लेट्स गेट इट आउट ऑफ द वे फर्स्ट। आर्केड मॉडल आपका स्टैंडर्ड क्लासिक 360 है, जो ऑनेस्टली मुझे डिजाइन वाइज बहुत पसंद है कंपेयर्ड टू द स्लिम एंड द 360e, जो बेचारा दुनिया में आए सिर्फ इग्नोर होने था, का पता नहीं क्या कसूर है। साइज में ये काफी बड़ा था, आप इसको सीरीज एक्स और ओजी एक्सबॉक्स के मिडल में देखें तो खुद अंदाजा हो जाएगा कि ये कितना ह्यूज किस्म का जिन टाइप का कंसोल था। गेमिंग वर्ल्ड का ये पहला फुल फ्लेज्ड ऑनलाइन कनेक्टिविटी वाला सिस्टम था, फॉलोड बाय द प्लेस्टेशन 3, और इस पॉइंट पर ऑनलाइन गेमिंग एंड 100% कनेक्टिविटी बिकेम द नॉर्म। इस मॉडल की कुछ डाउनसाइड्स थी बहुत ही जोर की, जिनमें से एक बात तो ये है कि स्टोरेज स्पेस इसमें है ही नहीं, जस्ट 20 MB और समथिंग एक स्पेसिफिक मॉडल में, तो ऊपर हार्ड ड्राइव लगानी पड़ती है लाजमी, और वो कोई बड़ी बदशकली किस्म की चीज है। दूसरी डाउनसाइड ये थी, वन ऑफ द वर्स्ट डाउनसाइड्स ऑफ गेमिंग हिस्ट्री, कि रेड रिंग ऑफ डेथ आ जाती थी, जिससे ग्लोबल रेज ट्रिगर होगी, हर तरफ लोगों के एक्सबॉक्स फौत हो रहे थे, देयर वाज अ मेल्टडाउन, और फिर माइक्रोसॉफ्ट की खूब फट के हाथ में आ गई हुई थी, तो लेजेंडरी स्टीव बॉलमर ने $1 बिलियन लगा के सबको रिप्लेसमेंट दी और मजीद नई प्रोडक्शंस में ये इशू फिक्स हो गया था। द बेटर मॉडल्स इन एक्सबॉक्स आर हैंड्स डाउन द स्लिम एंड द 360e। हुन मेरे डर लग रहा है कि मेरे चिना रेड रिंग ऑफ डेथ आ जाए। मूविंग ऑन, कंसोल्स की सक्सेस में क्रिटिकल रोल प्ले करती हैं वीडियो गेम्स, और ओजी एक्सबॉक्स के बाद माइक्रोसॉफ्ट ये बात समझ गया था। एक्सक्लूसिव्स की बात करें तो 360 पर एस्टेब्लिश हुई और लॉन्च हुई एक लेजेंडरी गेमिंग फ्रेंचाइज गियर्स ऑफ वॉर, जिसकी सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की लाइफ स्पैन में टोटल 4 डिफरेंट गेम्स आई थी, मतलब हाउ क्रेजी इज दैट। और एक जगह ऑन द अदर हैंड GTA 5 है, जो 3 जनरेशंस लास्ट कर गई। Anyways, we had Halo 3, ODST, Halo 4, Halo Reach, again great games, especially Halo 3, जिसने Xbox 360 की लॉन्च को बड़ा उठाया था, like that was a time people won't forget. We had the Fable series, Forza Horizon भी इसी प्लेटफॉर्म से शुरू हुई थी, इसी कंसोल से, and little did we know कि कितने सालों बाद Forza Horizon 5 जो है वो 18 million players को क्रॉस कर जाएगी। How cool is that?
देयर वाज आल्सो क्रैकडाउन जो अपने टाइम की बहुत ही एडवांस्ड और विजुअली ग्रेट गेम थी, क्लासिक्स लाइक एलन वेक, मैस इफेक्ट, इवन लेफ्ट फॉर डेड मैं दबा के खेलता होता था, तब मैं ऑनलाइन भी नहीं खेलता था, मैं उस गेम को सिंगल प्लेयर पे ही खेली जाता था एंड इट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गेम्स एवर मेड। फर्स्ट पार्टी के अलावा 360 की लाइब्रेरी लोडेड है गेम से और सपोर्ट इसे 2005 से लेके वियर्डली इनफ 2019 में कहीं जाके इसकी रुकी थी विद जस्ट डांस, और तब 8th जेन सिस्टम्स काफी ज्यादा चल रहे थे। थर्ड पार्टी में फेवरेट्स आती हैं ऑफ कोर्स कॉल ऑफ ड्यूटी है विद ब्लैक ऑप्स 1 एंड ब्लैक ऑप्स 2 ज़ॉम्बीज मेरे फेवरेट थे, आई यूज्ड टू प्ले अ लॉट ऑफ वर्ल्ड एट वॉर, अ लॉट ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर 3, रेड डेड रिडेम्पशन थी, स्केट थी, टोनी हॉक्स थी, फिर ऑफ कोर्स मेरा अल्टीमेट रीजन इस कंसोल को आज भी टर्न ऑन करने का और पास रखने का वो है द गिटार हीरो फ्रेंचाइज, इस पे खेलने का मजा ही अलग है एंड यू नो इट्स अ ब्लास्ट, लाइक दिस कंसोल वाज फायर। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान में ये अच्छे खासे एक्सट्रीम लेवल पे डोमिनेटिंग क्यों था। उसकी वजह ये है क्योंकि ये हैक था, ये जेल ब्रोकन था और इसको कर सकते थे JTAG, मतलब कि PS3 वाले टाइम्स पे जहाँ पर PS3 की एक गेम इजीली 3000 से लेके 5500 रुपीस तक की पड़ती थी, वही मल्टी प्लेटफॉर्म गेम आपको 360 पे 100 या 150 रुपए की मिलती थी। नाउ यू गैस कैन फिगर आउट के सारे क्यों पागलों की तरह रश करते थे एंड व्हाई 360 बिकेम अ फेवरेट कंसोल। ऐसा नहीं है कि PS3 नहीं चला, PS3 भी यहाँ पर बहुत ज्यादा बिक रहा है। मेरे अपने केस में ऐसा हुआ था कि मेरे PS3 फैट में येलो लाइट आ गई थी, तो हमने काफी सारे पुराने कंसोल्स देके एक 360 लिया, उस पे पागलों की तरह गेम खेली। मैं कहता हूँ ओए होए होए, हर जो गेम हम PS3 पे नहीं खेल सकते थे ड्यू टू बजट कंस्ट्रेंट्स वो हमने लाके 100 रुपए की खेली और पागल हो गए, लाइक कुछ पता ही नहीं था कि टाइम कहाँ जा रहा है। फिर लेटर डाउन द लाइन हमें PS3 स्लिम मिला जिससे मैंने अपनी कॉल ऑफ ड्यूटी जर्नी स्टार्ट की ऑनलाइन विद ब्लैक ऑप्स 1 एंड ब्लैक ऑप्स 2। लेकिन अब जो कि अल्हम्दुलिल्लाह चीजों की समझ है तो अब आई प्रेफर टू बाय ओरिजिनल गेम्स जो मैं कभी खेला करता था या जो मैंने मिस आउट किए, क्योंकि अब तो ऑब्वियसली एक्सक्यूज नहीं है ना, वी नो पायरेसी इज अ बैड थिंग, लेकिन JTAG और हैक्ड एस्पेक्ट ने इस कंसोल को बहुत ही ज्यादा लिफ्ट किया और बहुत ही ज्यादा ऑडियंस और कस्टमर बेस के साथ ओवर किया। एनीवेज, JTAG के बाद मजीद एक्सप्लॉइट्स और मॉड्स आए, DLCs तक आप पायरेट कर सकते थे, सो आई ट्राइड इनजस्टिस 1 का DLC, WWE के भी किए, कॉड ज़ॉम्बीज के मैं मैप भी ट्राई आउट करता था, सो दोस वर क्रेजी फन टाइम्स। तो एक्सबॉक्स 360 फुल एंड फुल थ्रू एंड थ्रू मैंने अच्छी तरह खेला, अच्छी तरह उसका जो टाइम था वो एंजॉय किया। 360 एंड PS3 वर द पीक ऑफ वीडियो गेम्स एटलीस्ट फॉर मी एंड नाउ आई एम इमोशनल बिकॉज़ आई लव टॉकिंग अबाउट वीडियो गेम्स, आई रियली वांटेड टू डू दिस सीरीज एंड आई लव यू गाइस। एक कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है कि क्या एक्सबॉक्स 360 2022 में होल्ड अप करता है। वेल, जाहिर है अब हम PS5 और सीरीज एक्स वाले एरा में हैं, तो दो जनरेशंस पीछे जाना बिल्कुल फर्क लाती है। इट्स लिमिटेड हार्डवेयर, लेकिन ये जरा सब्जेक्टिव भी है क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में अब सीरीज एक्स पर पुरानी गेम्स वाया बैकवर्ड्स कंपेटिबिलिटी अगर खेलें तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, बट इवन ऑन द ओरिजिनल 360 सम गेम्स स्टिल लुक ग्रेट। GS3 आज भी बहुत अच्छी लगती है, पुरानी होराइजंस आज भी बहुत बेहतरीन लगती है देखने में, कुछ फैन फेवरेट थर्ड पर्सन गेम्स हैं, मतलब आप लेट से गिटार हीरो 2 की बात कर लें, उसके विजुअल्स फॉर सम रीजन आज भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग और वाइब्रेंट किस्म के हैं, दे पॉप आउट। बट देन अगेन ये गेम के आर्ट स्टाइल और इटसेल्फ विजुअल्स पे डिपेंड करता है, कुछ गेम्स वाकई बहुत बुरे तरह से एज हुई हैं, सम ऑफ देम लुक फाइन, सम ऑफ देम लुक रियली नाइस, तो ये जरा सी सब्जेक्टिव बात है कि आपको क्या लगता है देख के। लेकिन अगेन, अगर आपने रिविजिट करना है या अगर आपने अपनी गेमिंग को स्टार्ट करना है, स्पेशली फॉर किड्स और पीपल हु डोंट हैव टाइम लेकिन वो गेमिंग का शौक रखते हैं या वो गेम्स को खेलना चाहते हैं, देन द 360 इज हैंड्स डाउन द बेस्ट चॉइस, बिकॉज एक तो ये बहुत ही बजट फ्रेंडली है, उसके बाद इस पे गेम्स इतनी ज्यादा है और वो इतनी सस्ती है कि आप रोज भी 5 गेमें खेले ना तो साल लग जाएंगे पूरा कैटलॉग खत्म करने में। प्राइस की बात करें तो 8000 से अप टू 20000 तक ये जाता है, डिफरेंट स्टोरेज साइजेस एंड मॉडल्स हैं, अगेन देख के खास सोच समझ के पैसे दें बिकॉज यू नो इन द एंड ऑफ द डे कि चीज क्या है और उसकी वर्थ कितनी। बड़े ऑप्शंस हैं, अच्छी तरह देखें, वे इन योर ऑप्शंस एंड देन पे। और रही बात एक ब्रांड न्यू एक्सबॉक्स की, वेल जितनी भी दुकानें हैं वो लोडेड हैं, उनके पास बहुत सारे 360s है, JTAG फ्रॉम द गेट गो, तो अगर आपको कोई ये कहना कि नया एक्सबॉक्स है, सील्ड एक्सबॉक्स है, तो ये 100% बकवास है। अ ब्रांड न्यू सील्ड एक्सबॉक्स 360 दैट डजंट एग्जिस्ट हियर, वो आपको मिलेगा तो बहुत एक्सपेंसिव मिलेगा eBay वगैरह से। और ओरिजिनल गेम्स की जहां तक बात है वो आपको 400 रुपीज से लेके अबाउट 600-700 तक की मिल जाएंगी इफ यू बाय देम फ्रॉम द राइट पीपल, नहीं तो शॉप्स वाले आपको नहीं छोड़ेंगे। सो यस, इन अ नटशेल द एक्सबॉक्स 360 वाज एन एब्सोल्युटली लेजेंडरी एंड आइकॉनिक वीडियो गेमिंग कंसोल जिसने अगेन बहुत से लोगों को गेमर्स के अंदर कन्वर्ट किया। आई पर्सनली हैड अ ब्लास्ट विद इट, इसके ऊपर बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग और मजेदार किस्म की गेम्स आई, फ्रेंचाइजेस बनी एंड ओवरऑल जो गेमिंग की पीक थी उसके अंदर ये नेक्स्ट टू PS3 एक बहुत प्रोमिनेंट हिस्सा था। तो ये था हमारा आज का एपिसोड 360 पे, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, इफ यू डिड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। क्लासिक रिवाइंड को हम कंटिन्यू करेंगे और मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में।
में। डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग क्योंकि इससे मेरी बहुत ज्यादा हेल्प होती है। मेरा गोल है टू रीच 10,000 सब्सक्राइबर्स इन 2022, सो हेल्प मी ग्रो ऑन YouTube। वीडियो को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ चैनल शेयर करें एंड स्प्रेड द वर्ड। आई विल कैच यू गाइस अगेन इन द नेक्स्ट वन। अंटिल नेक्स्ट टाइम।